पार्क के बगल से ही बहती हुई व्यास नदी की लहरें जंगल की शांति को चीरते हुए, उसकी मधुर ध्वनि आप सभी को ये अपनी ओर खींचेगी। सुनिए इसे ध्यान से। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव इंडियंस में। आज तारीख है 30 जनवरी 2021 और हम हैं वन विहार मनाली में। दोस्तों, यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो बड़ों के लिए है 50 रुपये की और छोटों के लिए है, बच्चों के लिए, 20 रुपये की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आपको दिखाते हैं वन विहार को अंदर से कैसा है, कैसा दिखता है और आप यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं खुद और अपने बच्चों के साथ। दोस्तों, यहाँ पे आपको जगह जगह दिख जाएगा जो भी हिमाचल के पशु पक्षी जो वन जीव हैं उनसे संबंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे अभी हमने एंट्री करा है चिल्ड्रंस पार्क में। ये चिल्ड्रन पार्क में झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, तो अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चे आपके बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और आपको इस प्राकृतिक जगह का आनंद लेने का पूरा मौका मिलेगा बच्चों के साथ। जगह जगह यहाँ पे आपको लोकल फोटोग्राफर भी मिलेंगे जो आपसे कपड़ों में या कुछ फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए बोलेंगे। साथ ही यहाँ पे जो यहाँ की महिलाएं हैं लोकल, वो आपको यहाँ का पालतू प्रजाति का जो खरगोश है, अंगोरा खरगोश, उसको लेकर भी दिखेंगी, जिसे आप 20 रुपये देकर अपने पास ले सकते हैं, उसकी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, कुछ वक्त बिता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अंदर ही एक कैंटीन भी है छोटी सी, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ चीज़ें ले सकते हैं, स्नैक्स, कॉफ़ी, मैगी जैसे, और आप रेस्ट करने के साथ साथ ठंड में गर्म गर्म कॉफ़ी का भी और गर्म गर्म मैगी का भी आप मज़ा ले सकते हैं। दोस्त देखिए, दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कैसे मज़े कर रहे हैं। और एक ये पाथ है, आइए हम इस पाथ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो पूरा सर्किट एरिया है, पूरा वॉक करने का, पूरे पार्क का, वो आपको उस पूरे सर्किट के सफ़र पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है ये पूरा पार्क अंदर से। दोस्तों, इसकी हमने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई हुई है क्योंकि अगर पूरा हम इसको कवर करते हैं और नॉर्मल रखते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, तो इसलिए इसकी स्पीड बढ़ाई हुई है। और आइए जल्दी से आनंद लीजिए इस प्राकृतिक नज़ारे का। दोस्तों, साथ ही यहाँ पे देखिए महिलाएं भी हैं जो यहाँ की जो पारंपरिक पोशाक है उसको पहन कर आप फ़ोटो भी क्लिक करा सकते हैं एक छोटा सा मूल्य देकर। और दोस्तों, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसा कराना भी चाहिए, ये एक यादगार पल होता है, हम रिलैक्स करने के लिए जाते हैं तो ऐसी चीज़ों का हमें बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, साथ ही एक संदेश ये भी है, जब भी हम किसी प्राकृतिक जगह पे जाएं, किसी पार्क, कहीं पहाड़ों पे, तो वहाँ पे दोस्तों साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कहीं भी हम गंदगी मत फैलाएँ, अपना कचरा जो है वो कचरे बॉक्स में ही डालें। तो दोस्तों, इस तरह यदि हम करते हैं तो प्राकृतिक का ख्याल हम रखेंगे तो भविष्य में प्रकृति भी, ईश्वर भी हमारा ख्याल रखेंगे, ऐसा माना जाता है। चारों तरफ देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ यहाँ की प्रकृति खुद में ही ऐसा लगता है कुछ कहती है। देखिए इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों को, ये ज़रूर आपको याद दिलाएगा कि बहुत सारी पिक्चरों में हम लोगों ने ऐसे ही सीन देखे होंगे और यहाँ पे काफ़ी ऐसी पिक्चरों के सेट ज़रूर लगाए गए होंगे, इसकी जानकारी तो नहीं है हमें, लेकिन मनाली में ऐसी बहुत सी पिक्चरों की शूटिंग हुई है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मुझे याद था एक मूवी थी 1971, मनोज वाजपेयी जी थे, उसकी शूटिंग भी मनाली में ही हुई थी क्योंकि उसमें कश्मीर के कुछ दृश्यों को दिखाना था और शायद वो बेटर
जगह जो सबसे ज़्यादा कश्मीर जैसी लगती होगी या वो वैसी प्रदर्शित कर सकते हैं, बल्कि कश्मीर नहीं पीओके के कुछ सीन उसमें दिखाए गए थे, तो उसकी शूटिंग मनाली में ही काफ़ी जगहों पे हुई थी। तो इस तरह के कुछ प्राकृतिक दृश्यों को, प्राकृतिक जगहों को भी लिया गया होगा शायद उसमें। दोस्तों, काफ़ी लंबा ये सर्किट है, शायद 2.5 से 3 किलोमीटर का, मुझे ध्यान नहीं है लेकिन कुछ सही है। और यहाँ पे आप शांति से चलते हुए महसूस कर सकते हैं जंगल के बीच की शांति को। इस तरह से ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्राकृतिक तौर पर ही बना हुआ है, जिसको बीच शहर में होते हुए भी हिमाचल प्रशासन ने इसको वैसे ही सुरक्षित रखा और इससे वन विहार नेचुरल पार्क का नाम दिया, जैसे कि ये कभी भी ख़त्म ना हो और आने वाले जो सैलानी हैं वो इनका आनंद ले सकें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम जब वहाँ पे थे तो उस दिन जो तापमान था, शायद इस समय शाम के समय 6 बजे के आसपास, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, उस समय लगभग -5 डिग्री के आसपास का तापमान था मनाली का। काफ़ी ठंड भरा माहौल था, लेकिन उसमें भी ऐसे पार्क में चलने का एक अलग ही आनंद था। इस आनंद को शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका अनुभव तभी होगा जब हम इससे जुड़ेंगे, ऐसी जगहों पर आएंगे, तभी हमें एहसास होगा जो हमारे मन के भाव हैं वो कैसे हैं इस प्रकृति को लेकर, प्रकृति के प्रति। और ये जो एरिया था, इसे विस्परिंग जोन कहते हैं, जहाँ पे अगर आप हल्की सी भी आवाज़ निकालते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो आवाज़ गूंज रही है चारों तरफ। हमने भी एक ऐसी कोशिश करी, बस हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए शायद, लेकिन ऐसी कोशिश हमने करी और सच में हमें ऐसा लगा कि जो भी हमारी ध्वनि है वो आपस में टकरा कर वापस आ रही है। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेनू ने भी इस बोतल को उठाकर कचरे के डिब्बे में डाला और एक जागरूक नागरिक होने का अपना फ़र्ज़ निभाया। फिर दोस्तों, काफ़ी लंबा सर्किट पूरा करने के बाद हम वापस आए और एक जगह लोकल महिलाएं ठंड के मौसम में आग का मज़ा ले रही थी और अपनी भाषा में आपस में बात कर रही थी, तो हमने भी थोड़ा सा इस आग का आनंद लिया और फिर वापस हम आए, क्योंकि काफ़ी लंबा चलने के बाद जाहिर सी बात है पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। तो फिर जो हमने कैंटीन देखी थी शुरुआत में, हम वापस उस कैंटीन के पास आए और हमने सोचा कुछ खाने का मन बनाया और फिर हमने यहाँ पे मैगी और कॉफ़ी ली, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पे लगा हुआ रेट चार्ट भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने में है, और बहुत ही वाजिब दाम है हर चीज़ के। और मैगी और कॉफ़ी दोनों बहुत ही अच्छी थी। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको भी पसंद आएगा ये।
दोस्तों एक रास्ता यहाँ से नीचे भी जाता है जहाँ पर ये आर्टिफिशियल लेक थी जिसमें बोटिंग होती है, लेकिन किसी कारणवश आजकल ये लेक सूखी हुई है तो फिर हम नीचे नहीं गए। और शाम भी काफ़ी हो रही थी, अंधेरा होने वाला था, तो हमने फिर बाहर जाने का फ़ैसला किया और हम इन दृश्यों को देखते हुए वापस बाहर की ओर जाने लगे। अब इसके बाद हमें जाना था मॉन्स्ट्री में, तो इसके आगे दोस्तों आपको सफ़र दिखेगा मॉन्स्ट्री का जो मनाली में ही उपस्थित है। वन विहार के गेट के सामने ही मॉन्स्ट्री का रास्ता जाता है। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को आपने अंत तक देखा तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों अपने उन साथियों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को, जो भविष्य में मनाली आना चाहते हैं, हिमाचल आना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मनाली से संबंधित, यहाँ पे कैसे रहना है, कैसे आना है, किस मौसम आना है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद। ये जेंट्स वाले से सुसु करते हुए आए जेंट्स टॉयलेट में ही तो जाएंगे और कहाँ जाएंगे, इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। अरे जेंट्स में जाएंगे, लेडीज में नहीं कहते।